क्या हुआ? एक मिनट हेलमेट उतार दो इनका, आराम से आराम से। क्या ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रखी ना? सो अभी हम जा रहे हैं कहाँ? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा एक चलान आया है, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं। और टाइम 1:58 हो चुका है, 2 बजे अपनी न्यू वीडियो आ जाएगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा चलान आया है। चलो बाकी चलते हैं फटाफट। वैसे निकलना तो मेरे को 12 बजे के आसपास था, बट मैंने उनको 11 बजे एक बार कॉल किया था, तो उन्होंने तब पिक नहीं किया था। फिर उनके बाद उन्हीं का कॉल बैक आ गया था थोड़ी देर में, तो मैं कहा मैं फिर निकल जाता हूँ। वो कहते हैं अभी नहीं, आप 2:30 बजे तक आ जाना मेरे पास। तो जाना कहाँ है? मंदिर मार्ग। तो अभी थोड़ा रास्ता कवर करने के बाद मैं मैप लगा लूँगा, फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पहुँचना है। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू एससी यूनिट्स अनदर ब्लॉग। क्या हाल आप सभी? क्या हाल, अच्छे होंगे और अच्छे रहना। अब वहाँ कोर्ट वगैरह में अंदर जाएंगे तो मेरे ख्याल वीडियो वगैरह तो नहीं बना देंगे, बट फिर भी देखते हैं, कोशिश करेंगे हल्की फुल्की, अगर कुछ हो पाएगा तो। जल्दी जल्दी पहुँचना है। बाकी यार, जो मेरी बाइक में हॉर्न लगे हुए थे वो रेड ग्रिल लगे हुए थे, जिस पे वो ब्लैक कलर के होते हैं और रेड सी ग्रिल बनी होती है। अगर मेरे पास फ़ोटो वगैरह होगी तो मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो मेरे ही शॉप पे पड़े होंगे। तो वो वाले लगाए हुए थे, तो उसका चलान है। तो एक हॉर्न उन्हीं के पास है और एक लगा हुआ था, तो वो तो मैंने खैर अब उतार दिया। अब लगे हुए हैं बहुत छोटे छोटे से पीपी वाले। बाकी मैं उस बाइक पर कहाँ कहाँ नहीं होया, नेपाल होया, यहाँ होया, वहाँ होया, मतलब किसी जगह ऐसा कुछ तो रोका नहीं उन्होंने इस हॉर्न के चक्कर में। बाकी चलो क्या कर सकते हैं। अरे बाप, इतना लंबा जाम, कैसे पहुँचेंगे फिर हम जल्दी? कुछ ज़्यादा ही लंबा जाम है। सो जब तक खड़े हैं मैप ही क्यों ना लगा ले। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन फास्टेस्ट रूट इधर राइट में दिखा रहा है। लोगों को ज़रा सा भी सबर नहीं है कि हमारी ग्रीन लाइट हुए, उसके आगे भी लोगों ने आना ही आना है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पीछे जाम लग रहा है, यहाँ गाड़ी खड़ी होके बैठे हुए हैं। अरे जाने दे भाई, फोन में लगा हुआ भाई। ओहो नई नवेली थार, ब्रेक कलर अच्छा लग रहा है यार काफ़ी। तो ऊपर स्पीड कैमरा आ चुका है, हम अपनी स्कूटी धीरे करते हैं और फ़ोन भी बज रहा है, रुक के देखेंगे। और यहाँ से हमने लेफ्ट होना है, लेफ्ट आई थिंक यही वाला पुलिस स्टेशन है। अरे जगह ही नहीं आगे, तो कहाँ से जाऊँ? चलो निकाल ही लूँगा, ये नहीं निकाल पाऊँगा, ये निकाल लूँगा। निकल गई थी, निकल गई। एक बार यहीं फ़ोन मार लेता हूँ पहले और कैमरा उतार लेता हूँ, पता चले कैमरा भी रख रहे हैं। हाँ जी सर, मैं बाहर आ गया था, नहीं पुलिस स्टेशन के बाहर। अच्छा कोर्ट पहुँचूँ? पटियाला कोर्ट, ठीक है जी, ठीक है। सो हम बंगला साहब वाली रोड पे आ चुके हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और यहाँ चल रही है जैगुआर, कुड़ी कहती भी पहला जगुआर ले लो। और कोर्ट का नाम है पटियाला कोर्ट, और यहाँ से अभी 4 किलोमीटर दिखा रहा था, मतलब वहाँ से पुलिस स्टेशन के वहाँ से। बाकी पहुँचते हैं, और धक्के खाने वाले काम है यार ये तो, सीरियसली कहाँ फंस गया मैं। पहली बार हुआ है मेरा ऐसा कुछ चलान, और मैं खुद जा रहा हूँ कोर्ट, और वो भी मेरा नहीं हुआ, मतलब मैंने नहीं किया। फॉर्चुनर लेजेंडर हेडलाइट तोड़ के चले गए। सो हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, इंडिया गेट वाली रोड पे। तो यहीं कहीं आसपास ही है मेरे ख्याल कोर्ट। लोग इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं देते, बस मुड़ जाओ इधर उधर। और ये शिप रात को कितनी अच्छी लगती है, आपने देखा होगा मेरी किसी वीडियो में। अरे बाप रे बाप, लगता है यहीं कहीं आसपास ही है। भीड़ देख रहे हो कितनी है, गाड़ियाँ देखो। सो अभी हम यहाँ कोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं, उधर स्कूटी लगा दी है। और यहाँ मैं जस्ट चेक कर रहा था, तो यहाँ आ रहा है 0 views। क्या हो गया यूट्यूब को? यहाँ तो दिखा रहा है 436, पता नहीं क्या हो गया। रिफ्रेश मारने के बाद भी नहीं आ रहा, 0 views, टेक्निकल इशू। और यहाँ आ रहे हैं व्यूज। तो अभी
छोले कुलचे खा रहे हैं अभी कोर्ट के बाहर से निकले हैं। और ये रही हमारी रसीद जो कि 1000 रुपये का हमारा चलान हुआ। और यहाँ पे देखो अभी मोर दिखेंगे। तो निकल चुकी है अपनी सवारी फिर से। आए थे दिन के उजाले में और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया शुरू और ठंड भी लग रही है अब हल्की हल्की। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से जाऊँगा करोल बाग, मेरे को कुछ सामान उठाना है तो वो सामान भी उठाते हुए जाएंगे। और काफ़ी जने आए हुए थे जिनके पेंडिंग थे चलान, तो वो भी यही बता रहे थे कि काफ़ी टाइम पहले हुआ था उनका भी चलान। तो मैं भी शायद ये इकट्ठा एक ही बार जब 10-15 जने होते होंगे तब एक ही बार यहाँ के चलान वगैरह का कुछ प्रोसीजर वगैरह करते होंगे। बाकी हम जब अंदर गए थे तो उससे पहले कुछ ड्रिंक एंड ड्राइव वालों का केस था, तो उसमें से तो एक जना पहले गया था तो उसका 5000 का चलान हुआ। क्यों हुआ मैं बताता हूँ, क्योंकि जज ने उनसे पूछा कि हाँ भाई पी रखी थी, तो कहते हाँ जी मैंने क्वार्टर पिया हुआ था। बाहर आके सारे हंस रहे थे। फिर अब जैसे मेरा 1000 रुपीज़ का हुआ और किसी सिलेंसर का था उसका भी 1000 रुपीज़ का हुआ। तो खैर सिलेंसर तो नहीं था हमारे पास, पहले मेरे को भी कह रहे थे पटाखे मारने का शौक है क्या तुम्हें, मैं कहा मेरा तो हॉर्न का चलान है। बाकी टाइम बहुत लगा दिया यार, चलो कोई नहीं क्या कर सकते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं कनाट प्लेस और मेरे को यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह का कुछ खाया नहीं हुआ था तो इसलिए वहाँ से छोले कुलचे खा लिए। और वहाँ पर मोर देखे थे, 3-3 थे। आई थिंक शायद पीछे कुछ हुआ है। क्या हुआ पता नहीं, एकदम से गिर गया चक्कर खा के। मायक एक मिनट हेलमेट उतार दो इनका। आराम से आराम से। क्या ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रखी ना? पता नहीं, नहीं। आप जानते हो? हाँ मेरे साथ ही थे। हो गए उठ के बैठो, उठो उठो पानी पानी है इनका। ये खोल दो स्वेटर के, उसको गर्मी लगती है। बे पानी पी लो एक बारी, पानी पी लो। क्या चक्कर आ रहे थे क्या भैया? चक्कर आ रहे थे क्या? चक्कर आ गए। 2 मिनट इनको ना बिठा दो यहाँ पे। स्कूटी पे बैठा दो। नहीं नहीं यहीं बिठाओ, यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो आराम से। पसीने तो नहीं आ रहे? पानी पी लो। अरे एक घूंट पानी पी लो ना। पानी पी लो बे, पानी पी लो, थोड़ा थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा हवा लगने दो शरीर को। वैसे इधर साइड में ही अगर इमरजेंसी में जाना है। यहीं पे वर्किंग हूं। अच्छा 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 लेडी हेडिंग में ही हूं। अच्छा 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 साफ ही हूं। ठीक है वो मुझे पता है। अच्छा इमोशनल ब्रेकडाउन खड़ा थोड़ा इसलिए। अच्छा 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 पता नहीं मैम बता रही थी अचानक से गिर पड़े थे, वो कह रहे थे चक्कर आ गए थे। बाकी पता नहीं चला रहे थे या खड़े होके गिरे हैं, कैसे हुआ समझ नहीं आई। चलो भगवान सबको सही सलामत रखे। पहले मैं थोड़ा सा ना आगे निकल गया था तो एकदम से लेफ्ट में देखा था तो गिरे पड़े थे, फिर वापसी स्कूटी मोड़ी आगे से फिर देखा तो पता नहीं क्या हुआ बता। सो अभी मैं घर आ चुका हूँ, करोल बाग से भी जो सामान लेके आना था वो मैं आ गया हूँ लेके। वो EL वायर लेके आनी थी जैसे कि मैंने डस्टर में लगाई थी, तो अभी किसी के लगानी है तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और मेरा सर दर्द भी हो रहा था यार, मैंने रोमा को बोला कि मेरे को चाय दे दे यार, तो अभी चाय बना रही है ये, मतलब चाय मतलब वहाँ चढ़ी हुई है, चाय उबल रही है। और कैसा रहा आज आपका कोर्ट में दिन? बस बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा आज पूरा। ऐसा वकील के तौर पे नहीं पूछ रही, ऐसा अपराधी के तौर पे पूछ रही हूँ। चलान भर के आए हो, कैसा लग रहा है? बस बढ़िया था, क्या करे, कोर्ट कैसा? 1000 रुपए का चलान हुआ और जो मेरे हॉर्न थे मैंने पूछा कि हाँ मेरे को हॉर्न मेरा वापसी दे दो, कह रहे नहीं हॉर्न नहीं मिलेगा, 2000 का हॉर्न का नुकसान हो गया। ठीक है, और आज का दिन भी पूरा पूरा बर्बाद हुआ और पेट्रोल तो लगा अलग से। जिसने करवाया देख लीजिए वीडियो हमारे ध्यान से, कृपया करके आप हमारे सारे पैसे दे दीजिए। जस्ट किडिंग। जैसे ही एंट्रेंस हुए ना तो मैंने इनसे पानी भी नहीं पूछा, मैंने पूछा और कोर्ट कैसा होता है, कह रहे हाथ तुझे लेके चलता हूँ कोर्ट कैसा होता है। लेकिन
बहुत थके थके आए थे बेचारे ने, खाना भी नहीं खाया अभी था। भी हाँ, सुबह से खाना तक नहीं खाया हुआ था यार मैंने। फिर वहाँ पे छोले कुलचे खाए, आखिरकार मिल ही गए थे। तो क्या करता है यार, 5:30 बजे अब जो मिला खा लिया, पेट भरना तो हल्का सा। मैं कहा चलो खा लेते हैं यार, की बात नहीं करूंगी, बहुत वैसे अजीबोगरीब कमेंट आते हैं, हम कम ही खाते हैं। बाकी अभी जब मैं आ रहा था ना रास्ते में, तो नीचे मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई मतलब पता नहीं चक्कर खा के गिर गया था, पता नहीं क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद वो हो गया था, मतलब बना खड़ा हो गया था, और जो उसके लेडीज थी वो कह रही थी मैं नर्स ही हूँ इधर हॉस्पिटल में ही। अच्छा। मैं कहा फिर वो तो हमसे बेटर ही जानते होंगे। और तेरे को एक बात बताता हूँ, वहाँ पे जब अंदर गए थे ना, तो हमसे पहले ना ड्रिंक एंड ड्राइव वालों के भी केस चल रहे थे। तो एक बंदा मतलब जो पहला बंदा गया, जज ने उससे पूछा हाँ भाई पी के ही चला रहे थे? हाँ मैं तो बस क्वार्टर पी रखा था। मतलब पी रखी थी, इतनी सी भी थी क्वार्टर, कैसे कैसे देश में हमारे लोग हैं भगवान। मतलब बता रहे जज को, बता रहे कि हाँ मैंने क्वार्टर पी रखा था, ईमानदारी से बता रहा। हाँ, और उसके बाद ना हम जितने भी सारे वहाँ खड़े हुए थे ना, जैसे ही वहाँ से मतलब बाहर आए हुए थे, मतलब हम तो बाहर ही खड़े हुए थे और जो बाकी अंदर थे वो भी बाहर आके ना, इनफैक्ट पुलिस वाला भी हंसने लग गया। और कहता कि हाँ मैं बीमार हूँ। होता है, कुछ ऐसे होते हैं नमूने हमारे देश में। बाकी मुझे एक बात करनी थी, मैंने काफी टाइम से करनी थी बट बोल नहीं पा रही थी, भूल जाती थी मेरे सकते कि मेरे को ना, मैंने एक लड़का है उसके बारे में आपको बताना था। तो मैं, उसका नाम है केशु सक्सेना ही ना सर, केशु सक्सेना नाम है वो लड़का। मुझे रोज मैसेज करता है, अच्छे मैसेज करता है, कोई गलत नहीं करता, पहले तो ये क्लियर कर दूं। वो लड़का बहुत सपोर्ट करता है हमको। एक्चुअली हमारा ना अभी टाइम सही नहीं चल रहा था यूट्यूब को लेके ना, जैसे वीडियोस वगैरह व्यूज अच्छे नहीं आ रहे, फिर भी उस लड़के ने हमें सपोर्ट किया। हमारे मतलब वो अच्छे टाइम में भी साथ था, आज भी मतलब पिछली वीडियो में भी उसने टैग किया, हमारे बुरे वक्त में भी साथ था। तो मैं मान गई कि देखो, उस लड़के से हमने सीखने को मिला कि देखो अच्छे में भी साथ है और बुरे में भी साथ है। तो उस केशु सक्सेना को मुझे ऐसा सिस्टर कहते हैं, दीदी बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, आप हमारी वीडियो को देखते हो और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आज हम उसके लिए इस यूट्यूब पे कुछ 2-3 लाइंस बोल रहे हैं कि आप भी खूब सक्सेस हो, हमेशा खुश रहो, अपनी मम्मा का ध्यान रखो और बहुत अच्छे लड़के बनो और अपनी फैमिली को इसी तरह से हंसाते रहो, बिल्कुल, और खुश रहो। और बाकी ऐसे अगर आप भी उसकी तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, हमें रोज मैसेज वगैरह मेरे को आते हैं काफ़ी, मतलब मेरे को आपके कमेंट्स अच्छे लगेंगे, लग रहेगा कि हाँ आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी आपके यहाँ पे यूट्यूब पे नाम मेंशन जरूर करा करेंगे। अब हमने सोच रखा साहिल और मैंने, बाकी देखो सपोर्ट करते हो आप, ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं करते, बस आप हमेशा अपना प्यार देते रहो और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलो अभी चाय लाती है और ब्लॉग को भी हम एंड कर देते हैं। सरदर्द हो रहा है? हाँ यार सरदर्द बहुत हो रहा है, कोई नहीं अभी दबा दियो। और अभी नीचे जाके मेरे काम भी करना है, वो जो EL वायर लेके आया हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। नहीं नहीं गला नहीं दर्द हो रहा, देख लो। नहीं हो रहा, चलो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिल्कुल। और सॉरी लास्ट टाइम मैंने धाड़ करके मार दिया था लास्ट में, मैं कह रही बहुत जल्दी बिहाइंड द सीन भी आएंगे आपके पास। नहीं नहीं अभी नहीं आने वाले वो व्लॉग भी, रोमा चोपड़ा लाएगी। ओके चलो बाय बाय बाय। बाय 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 बाय।